ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लास्ट टाइम जो हमने देखा वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमने सोइल प्रोफाइल, जितने भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स थे उनके बारे में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली किस किस टॉपिक को कवर करेगा, वो हमारा करेगा जितने भी जो एबायोटिक फैक्टर्स थे इनसे रिलेटेड, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता है और जिस तरीके से एडेप्टेशन है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट हमने छोड़ा था। सोइल प्रोफाइल हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए थे, टेम्परेचर पढ़ा था, सोइल पढ़ा था, लाइट पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, उसमें किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो देखे थे, इकोलॉजी क्या होती है वो देखी थी, ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये देखा था, पॉपुलेशन क्या होती है ये चीज़ देखी थी। आज बेसिकली हम स्टडी करेंगे हमारे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें बेटा बेसिकली चार तरीके के हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चार तरीके से रिस्पॉन्स कर लेते हैं जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। ठीक है, जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो किस किस तरीके से उसमें रिस्पॉन्स करते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो इस चीज़ इसके अंदर बेटा हमारे पास दो तरीके के हमारे पास मेन मेन रिस्पॉन्स आते हैं, जो आता है रेगुलेट और कन्फर्मर, और एक होता है बेटा जो कि टेम्परेरी होता है, जो चेंज टेम्परेरी करते हैं वो होता है बेटा माइग्रेट और सस्पेंड। ठीक है, तो चार तरीके की हम रिस्पॉन्स देखेंगे, रेगुलेट और कन्फर्मर ये तो परमानेंट होते हैं, और माइग्रेट और सस्पेंडरी क्या होते हैं बेटा, टेम्परेरी होते हैं। तो बेटा मैं आपको सबसे उससे पहले एक एनसीईआरटी का ग्राफ दिखा देता हूँ, ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो बेटा जो एक्स एक्सिस है इस पे आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल लेवल, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल बाहर की कोई भी बायोटिक फैक्टर या कोई भी एबायोटिक फैक्टर जब चेंज होता है तो उससे बंदा अपने अंदर किस तरीके से चेंज करता है वो। ठीक है, अब आप ये लाइन देख रहे हो, रेड लाइन, ये देख रहे हो आप रेड लाइन, तो ये रेड लाइन क्या दिखा रही है कि बाहर की चीज तो चेंज हो रही है, बाहर की चीज तो चेंज हो रही है, बाहर का लेवल तो चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। ठीक है, बाहर का लेवल तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसका इंटरनल चेंज है वो बेटा यहीं पे ही है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है वो। ठीक है, इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ठीक है ना, इसी पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर बिल्कुल चेंज नहीं लेके आते वो होते हैं बेटा रेगुलेटर्स, वो क्या होते हैं आपके, रेगुलेटर्स। अब सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन देख रहे हो आप, जैसे 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 ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मान लो यहाँ पे चेंज हुआ है, अगर इस टाइम पे ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ गया और ये चीज़ भी यहाँ पे आ गई, तो आप बेटा इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि जैसे जैसे एक्सटर्नल में चेंज हुआ वैसे वैसे आपका इंटरनल में भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अपने अंदर चेंज लेके आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं बेटा, कन्फर्मर्स। उसके बाद बेटा आप देखोगे कि एक है बेटा पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर क्या है कि कुछ टाइम तक तो बिल्कुल स्ट्रेट चले, चेंज आया, लेकिन कुछ देर बाद वो कैसे हो गए, अपने अंदर बॉडी के अंदर चेंज करना उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे कौन से होते हैं बेटा, पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम रेगुलेटर्स की। तो रेगुलेटर्स बेसिकली होते क्या है, रेगुलेटर्स वो होते हैं जो जो अपने टाइम के साथ जो अपने उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आते। ठीक है, तो अपने एनवायरमेंट में कॉन्स्टेंट अपना एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट बनाए रखते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेनली जो एनिमल्स का, देखो आप एनिमल का एग्जाम्पल देखो, एनिमल क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो विंटर हो और चाहे वो आपकी समर की बात हो। इसी तरीके से बेटा बर्ड भी किस में आते हैं, आपके रेगुलेटर्स में आते हैं, जो कि बहुत कम आपका जो है थर्मोरेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, ये अपना बिहेवियर चेंज तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, कि अपने बॉडी को टेम्परेचर को अलग कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो हाथ को रब करके थोड़ा बहुत अपने हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने अंदर चेंज कर ले। ठीक है,
उसके बाद बेटा बात आते हैं कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी, कन्फर्मर्स कौन से होते हैं जो कि अपनी बॉडी के चेंज, अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं? डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं? डायरेक्टली चेंज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बाहर का एबायोटिक फैक्टर चेंज हुआ वैसे वैसे उसने अपने भी अंदर चेंज किए। इसके अंदर बेटा आपके बेसिकली कौन से होते हैं, जितने भी आपका, जितने भी आपके जो सी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो सी एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होते हैं उसी हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। सी एनिमल्स मोस्टली आपके चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स के बीच में आपको डिफरेंस दिखाया गया है। दे कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेरिक कंडीशन। तो वो कौन से होंगे बेटा? कन्फर्मर्स, ठीक है। और रेगुलेटर्स कौन से होंगे बेटा? जो कि अपना अपना कॉन्स्टेंट क्या है, इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन करके चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स। दे शो नेवर रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे शो मच वाइडर रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफी जगह पे होते हैं और ये कमी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था टेम्परेरी, टेम्परेरी में जो चेंजेस होते हैं उसमें के अंदर आता है बेटा माइग्रेशन। तो बेसिकली आप जो ये भरतपुर के अंदर जो भरतपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, इसमें आप देखते हो कि साइबेरियन जो ट्री है, सॉरी साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं कोल्ड रीजन से किसकी तरफ, राजस्थान की तरफ, राजस्थान नेशनल पार्क की तरफ, भरतपुर नेशनल पार्क की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है? टेम्परेरी माइग्रेशन है, ठीक है। और जब मौसम वहाँ का सही होता है तो फिर साइबेरियन जो ट्री है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी माइग्रेशन की। उसके बाद बेटा बात आती है सस्पेंड की। सस्पेंड क्या होता है कि कहीं जाते नहीं है, वहीं अपनी जगह पे क्या हो जाते हैं, वहीं अपनी जगह पे अपने आप को रिज्यूम कर लेते हैं, अपने आप को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। तो इसमें बेटा दो तरीके के चेंजेस आते हैं, एक आता है हमारा हाइबरनेशन और एक आता है आपका एस्टिवेशन। इसमें आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, ठीक है। तो बेटा जो जो ये बेटा नेशन होता है आपका, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन एक तरीके की स्लीप होती है, मतलब सोना होता है। हाइबरनेशन जो सर्दियों में सो जाते हैं, सर्दियों में अपने आप को छुपा लेते हैं, और एस्टिवेशन जो अपने आप को गर्मियों में छुपा लेते हैं। जैसे गर्मियों में कौन कौन से हैं, जैसे स्नेल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, बी हो गई, ठीक है। और हाइबरनेशन में कौन से आ जाएंगे बेटा? इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने बॉडी अब लो टेम्परेचर को बेसिकली क्या करते हैं बेटा? अवॉइड करते हैं। और ये कैसे टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं? हाई टेम्परेचर को। तो इसलिए समर में ये क्या करते हैं? ये सो जाते हैं, और विंटर में हाइबरनेशन वाले सो जाते हैं, ठीक है। एक और बेटा, एक बात और बताने भूल गया, एक होता है बेटा आपका इसी के अंदर सस्पेंड के अंदर ही, एक होता है आपका डायपोल स्टेज। डायपोल स्टेज में होता है बेटा कि अपनी ग्रोथ को ही रोक लेना। जो जू प्लैंकटोन्स होते हैं बेटा, इसका भी एग्जांपल आता है कि वो बेसिकली किस में चले जाते हैं? डायपोल स्टेज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एडेप्टेशन की। जो बेटा एडेप्टेशन होती है, मतलब जैसे जैसे जो जैसे जैसे मतलब और जो एबायोटिक फैक्टर्स थे उनके अंदर चेंज आता है, तो हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस किस तरीके से बचते हैं, मतलब किस किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, या बाहर चेंजेस होते हैं, या बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, या अपने रहने खाने का तरीका बदलते हैं, ठीक है, उसको हम बहुत बेसिकली किसके अंदर स्टडी करेंगे? एडेप्टेशन के अंदर। तो बेटा तीन तरीके की एडेप्टेशन है, तीन तरीके की एडेप्टेशन है। एक है बेटा हमारी मोर्फोलॉजिकल, मतलब अपनी बॉडी के अंदर चेंज, बॉडी के इंटरनल लेवल में चेंज फिजियोलॉजिकल, और अपने रहने खाने के तरीके में चेंज कौन सा होता है बेटा? बिहेवियर चेंज, ठीक है। उसके बाद बेटा मोर्फोलॉजिकल चेंज के अंदर आप देखोगे कि जो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उनकी अगर आपने रूट देखी हो बेटा तो उनकी रूट काफ़ी डीप होती है। उनकी रूट डीप क्यों होती है? ताकि वो काफ़ी डीप से आपका वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। दूसरा बेटा उनका जो उनके जो बेटा स्टोमेटा होते हैं, उनके जो जो लीफ होते हैं वो बेटा नीडल में चेंज हो जाते हैं, ताकि उनके स्टोमेटा जो है वहाँ से वाटर का इवेपोरेशन ना हो, ठीक है। और बेटा ये कैम्प पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक है। कैम्प पाथवे मतलब नाइट को अपना भोजन बनाते हैं। संकन स्टोमेटा होते हैं बेटा, अब मौसम मतलब एनवायरमेंट से क्या करते हैं, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वहीं एक्वेटिक की बात करता हूँ, तो एक्वेटिक के अंदर आप देखोगे बेटा जो एयर ब्लैडर होता है, जो चैम्बर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। जो ये रीजन होता है आपका,
ठीक है, ये आपकी आपका कोर्टेक्स का जो रीजन होता है बेटा, ये काफी लार्ज होता है, इसमें काफी स्पेस होता है, एयर स्पेस काफी होता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं बेटा, इजिली फ्लोट कर सकते हैं, वाटर में आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है। ये चीज इनको कई जगह पे हेल्प करती है, इनके पोलिनेशन में हेल्प करती है, इनके रहने में हेल्प करती है, इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं बेटा, ये चेंजेस क्या है इनके बेटा, मोर्फोलॉजिकली चेंजेस है। उसी तरीके से बेटा मोर्फोलॉजिकली चेंजेस और होते हैं बेटा, एक वर्ड आता है एनिमल मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है कि एक जैसे की तरह कॉपी कर लेना। यहाँ पे आपको देखो बेटा दो ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली है क्या बेटा, ये है आपके, इन दोनों में क्या है बेटा, मिमिक्री है, ठीक है ना। एक बैसियन है और एक मलेरियन है, ठीक है। तो जो बैसियन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो मलेरियन की क्या करता है, कॉपी करता है, मलेरियन की कॉपी करता है। कैसे, कि ये होता है बेटा बहुत ज़्यादा पॉइजनस, अगर इसको कोई प्रीडेटर खाने के लिए आता है तो क्या करता है, वो खुद ही डेड हो जाता है। तो ये भी अपनी बॉडी को कैसे बना लेता है बेटा, इसके जैसा बना लेता है। इसके जैसा बनाने से क्या फ़ायदा होता है, कि कोई प्रीडेटर आता है तो वो सोचेगा अरे यार ये भी बिल्कुल उसके जैसा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो इससे दूर चला जाता है। एक बेटा आपको बटरफ्लाई देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये बटरफ्लाई, इसमें बेटा दो तरीके की बटरफ्लाई होती है, एक मोनार्क और एक वायसराय। तो बेटा जो वायसराय बटरफ्लाई होती है, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, उसका टेस्ट काफी डिस्टेस्टफुल होता है, मतलब बहुत गंदा टेस्ट होता है। अगर उसको कोई प्रीडेटर खाता है तो वो उसको बहुत गंदा महसूस होता है। तो इससे क्या, इसी इससे बच इसी की उसकी देखते हुए ये भी अपने बॉडी साइज को, बॉडी शेप को कैसी बना लेती है मोनार्क के जैसी, वायसराय भी कैसी बना लेती है अपनी बॉडी कि उसको मोनार्क की जैसे ही बना लेते हैं, कि कोई प्रीडेटर आता है तो वो क्या करता है कि उसकी तरफ ना आए, ठीक है। एक बेटा वर्ड है आपका कोमोफ्लेज। कोमोफ्लेज के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर को देख के जो प्रे होता है वो अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लेता है कि अपने अंदर बिल्कुल चेंज नहीं लेके आता, अपने अंदर कोई भी चेंज लेके नहीं आता, मतलब बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो डेड हो, ठीक है ना, वो कोई और चीज हो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कैम्यूफ्लेज। ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, प्रेइंग मोंटिस के अंदर, मोंटिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी, उसके बाद बेटा बात आती है आपका, एक होता है बेटा कंगारू रैट, सॉरी, इसके अंदर बेटा एक स्लाइड होती है कंगारू रैट, ठीक है। कंगारू रैट के बारे में बता देता हूँ। कंगारू रैट क्या होता है, कई सालों कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, जो उसका अंदर का जो फैट होता है ना बेटा, जो अंदर बॉडी का जो फैट होता है, उससे क्या करता है, वाटर को निकालता रहता है और उसको कंज्यूम करता रहता है। दूसरा, जो यूरिन करता है, जो उसका पेशाब होता है बेटा, वो भी कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। इससे क्या होता है, वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से क्या होता है बेटा, जो उसका वाटर लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। कंगारू रैट के अंदर कुछ एक बेटा प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे चैप्रोन हो गया, हीट शोक प्रोटीन कहते हैं, प्रोलिन हो गया, ये भी होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स आपको याद रखने, प्रोलिन और चैपेरोन। उसके बाद बेटा एलेंस रूल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलेंस रूल होता क्या है, कि जितने भी कोल्डर क्लाइमेट की कंडीशन में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट की कंडीशन में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उनके बेसिकली क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट ईयर और लिम्स होते हैं, ठीक है, ताकि जो हीट लॉस है वो बहुत कम हो, ठीक है। और ये देखो पोलर शील्ड के ऊपर क्या होती है, थिक फैट लेयर होती है, ताकि ठंड, जो कि इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके अंदर एलेंस रूल के अंदर ये था। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज कैसे होते हैं बेटा, बॉडी के अंदर चेंज आना। आप सपोज करो कि आप हिली एरिया में जाते हो, ठीक है, हिली एरिया के अंदर जाते हो, तो आप क्या कर देखते हो कि एक दो दिन तक आप जब भी हिल्स पे आप क्लाइंबिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो, तो आपका सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलने लगता है, ठीक है। आप लंबी लंबी सांस लेते हो और जल्दी जल्दी सांस लेते हो। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी का अमाउंट, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती। तो उस बॉडी की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट क्या करता है बेटा, रैपिड ब्रीथिंग करता है, ठीक है। रैपिड क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, रैपिड ब्रीथिंग करता है। और रैपिड ब्रीथिंग करने की वजह से क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग करने की वजह से वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को रेगुलर सप्लाई करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है कि जब आप कुछ दिन तक हिल्स पे रह लेते हो, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही क्या करती है बेटा,
उसके अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है बेटा वो क्या करती है, बढ़ा देती है। और इस आरबीसी के प्रोडक्शन से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी के प्रोडक्शन से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी एक सांस के अंदर बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें कुछ दिनों बाद वो चेंजेस नहीं देखने को मिलते। उसके बाद बेटा बात आती है फिशिज की। कई जो फिशिज होती है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ये मान लो कि आपका जहाँ पे आइस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी रहते हैं, तो बेटा इतनी ठंड में कैसे रहते हैं वो मतलब फ्रीज क्यों नहीं होती? तो बेटा उनके अंदर कैसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो उनके ब्लड वगैरह को फ्रीज होने नहीं देते, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन बनाती है बेटा। जो जो शार्क वगैरह होती है, वेल वगैरह जो होती है जिनके अंदर लंग्स होता है, वो बेसिकली क्या करती है, एक बार बाहर आती है और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेके अपने लंग्स के अंदर काफ़ी देर तक भर लेते हैं और काफ़ी देर तक वाटर के अंदर रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका बेटा जो लंग्स का जो साइज़ है वो काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर करता है। उसके बाद बेटा बात आती है आपके बिहेवियर चेंज की। बिहेवियर चेंज में क्या होता है कि बंदा अपना रहने का तरीका बदल ले। ठीक है ना, जैसे डेजर्ट लिजर्ड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो क्या करती है, जब भी मतलब गर्मी वगैरह होती है तो वो क्या करती है कि अपनी जैसे ये बोरो वगैरह में अपने आप को छुपा लेती है, और जैसे ही मान लो विंटर का सीजन आता है तो उस टाइम पे अगर हीट बात सी होती है तो वो क्या करती है बेटा, बाहर की तरफ आती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा है कि एडेप्टेशन जो है वो किस किस तरीके से होती है, रिस्पॉन्स किस किस तरीके से होते हैं, एडेप्टेशन किस तरीके से होती है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, जो इसमें हमने देखा वो देखा था कि एडेप्टेशन से पहले हमने देखा था कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो किस किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे कैसा देता है, रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेटर और सस्पेंडर। रेगुलेटर कन्फर्मर आपके परमानेंट होते हैं, माइग्रेटर और सस्पेंडर आपकी टेम्परेचर चेंज होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ बताया। ठीक है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर बॉडी को बाहर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं वो कन्फर्मर्स, जो नहीं करते वो रेगुलेटर्स, पार्शियल जो कुछ हद तक करते हैं फिर सेम हो जाते हैं। रेगुलेटर्स में आपका एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं, कन्फर्मर्स में आपके बेसिकली सी एनिमल्स आते हैं। उसके बाद इन दोनों के अंदर चेंजेस देखा। उसके बाद माइग्रेशन में आपको मैंने बताया कि भरतपुर नेशनल पार्क के अंदर साइबेरियन बर्ड्स आते हैं और फिर चले जाते हैं। सस्पेंड में क्या होता है, स्लीप होती है, कुछ दिनों के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं, ठंड में छुपाते हैं तो हाइबरनेशन और गर्मी में छुपाते हैं तो एस्टिवेशन। ठीक है, और एक डायपोज का बताया जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अपने आप को ग्रोथ को रोक लेता है कौन, जू प्लैंकटोन्स। एडेप्टेशन मोर्फोलॉजिकल अपनी बॉडी के अंदर चेंज, फिजियोलॉजिकली अपने इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज, बिहेवियर मतलब अपने रहने खाने के तरीके में चेंज। मोर्फोलॉजिकल मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं और एक्वेटिक प्लांट के अंदर, मिमिक्री बताई, कॉमोफ्लेज बताया और कंगारू रेट के बारे में बताया, एलेंस रूल बताया। उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज और उसके बाद बिहेवियर चेंज। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे